YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राज्य सरकार पर्यावरण संतुलन के प्रति गंभीर है, लेकिन लकड़ी माफिया और विभाग के लापरवाह पदाधिकारी मिलकर सरकार के इस भगीरथ प्रयास पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही वाक्य पलामू जिले के पांकी प्रखंड में देखने को मिला है। पांकी प्रखंड की कारीमाटी जोतांग बिरबिर और आबुन के जंगलों से पेड़ों के अवैध रूप से अंधाधुंध कटाई कर लकड़ियों को बेचने का अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। लकड़ी माफिया शाम ढलते ही कीमती लकड़ियों को ऑटो या अन्य माल ढुलाई वाले वाहनों में भरकर प्रखंड के विभिन्न गांव में मुंह मांगी कीमतों में बेचकर अपनी चांदी काट रहे हैं। एक तरफ सरकार जंगलों को बचाने के लिए प्रयासरत है, तो दूसरी ओर पांकी क्षेत्र के घने वनों से इमारती पेड़ तेजी से गायब होते जा रहे हैं। यहाँ पर्यावरण असंतुलन की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे हालात में अब वो दिन भी दूर नहीं जब घने जंगल बंजर भूमि में तब्दील हो जाएंगे। हालांकि पांकी प्रखंड के सूरठ, बालूडी, नौडिहा और ताल के ग्रामीणों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता की वजह से इन क्षेत्रों के जंगलों में पेड़ों के अवैध कटाई पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है, लेकिन फिर भी प्रयास ना काफी है। सुदूरवर्ती जंगलों में लकड़ी माफियाओं का अवैध कारोबार धड़ ले जारी है। शाम ढलने से लेकर पूरी रात और भोर होने तक यह कारोबार चलता रहता है। वनों के अवैध कटाई के संबंध में पूछे जाने पर वन पदाधिकारी एनसी मुंडा ने कहा कि जानकारी मिली है और जल्द ही लकड़ी माफियाओं की धर पकड़कर अवैध कारोबार पर अंकुश लगाया जाएगा। अब देखना है कि वन विभाग इस सूचना पर अमल आखिर कब तक करती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई इसी तरह जारी रहेगी या फिर कोई ठोस कार्रवाई के लिए आवश्यक पहल की जाएगी, यह सब आने वाला वक्त ही बतलाएगा।